अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली प्राइम के इस अध्याय में आप सीखेंगे किसी कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट करना। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जीएसटी क्या है, भारत में इसे क्यों और कब लागू किया गया, इसमें रजिस्ट्रेशन की कितनी स्कीम्स हैं, इसमें कितने तरह के डीलर्स होते हैं इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अभी तक हम टैली में काम करने के लिए कंपनी बनाने से लेकर अकाउंट मेंटेन करना, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना, रिपोर्ट्स देखना और रिपोर्ट और इनवॉइस की प्रिंट निकालने के साथ ही अन्य बहुत से टॉपिक्स के बारे में बता चुके हैं। देश में जब से जीएसटी लागू हुआ है, व्यापार पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अब केवल कुछ छोटे पैमाने पर छोड़कर किसी भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर के लिए बगैर जीएसटी के काम करना संभव ही नहीं है। बस यही कारण है कि अब हम आपको जीएसटी के साथ यानी जीएसटी लगाकर परचेज और सेल्स करने और उससे संबंधित अन्य काम करने के बारे में बताने जा रहे हैं। जीएसटी पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि टैली में नई कंपनी बनाते समय जीएसटी कैसे एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम टाइप कर रहे हैं। हमारी स्टेट है मध्य प्रदेश, तो यहाँ हम लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमने बाकी की डिटेल्स भी टाइप कर दी है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल 2021 आ रहा है और ये सही है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी 1 अप्रैल 2021 आ रहा है। हम अपनी कंपनी की बुक्स इसी तारीख से मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए यही डेट रहने देंगे। अब जैसे ही हम कंपनी सेव करते हैं, देखिए हमारे सामने कंपनी फीचर्स ऑल्टरेशन की स्क्रीन आ रही है। यहाँ हम अकाउंटिंग और इन्वेंटरी के अंतर्गत आने वाले फीचर्स पर पहले ही काम करना सिखा चुके हैं और आज टैक्सेशन के अंतर्गत आने वाले फीचर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर काम करने वाले हैं। यहाँ ध्यान दें कि इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑप्शन यस तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंतर्गत जीएसटी के जो ऑप्शंस आते हैं वो भी एक्टिवेट हो। उन ऑप्शंस को देखने के लिए हमें इस पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा। ये देखिए, ऐसा करते ही हमारे सामने कंपनी जीएसटी डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। इसमें हमें जीएसटी से संबंधित बहुत से ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को समझ लेते हैं। यहाँ जीएसटी डिटेल्स को 3 मेन हेड्स में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, दूसरा है एडिशनल फीचर्स और तीसरा है इनवॉइस फीचर्स। चलिए पहले हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है स्टेट। इसके सामने उसी स्टेट का नाम आ रहा है जो अभी हमने कंपनी बनाते समय सिलेक्ट की थी और ये सही है, तो हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला है रजिस्ट्रेशन टाइप। इसके आगे दो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। इन दोनों रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। अभी हम
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रेगुलर स्कीम पर काम करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ रेगुलर सिलेक्ट कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी बताएंगे। इसके बाद है असेसी ऑफ अदर टेरिटरी। यदि आपका व्यवसाय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है तो इसे यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। अगला है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी में जीएसटी कब से एप्लीकेबल यानी लागू हो रहा है। हमने अपनी कंपनी 1 अप्रैल 2021 से शुरू की है और इसी तारीख से हमारी कंपनी पर जीएसटी भी एप्लीकेबल है, इसलिए यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2021 ही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद है जीएसटीआईएन या यूआईएन। यहाँ पर GSTIN से तात्पर्य है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी GST नंबर, और UIN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से तात्पर्य है ऐसे नंबर से जो GST की एक विशेष कैटेगरी जैसे कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस एंड एजेंसीज को दिए जाते हैं। GSTIN / UIN के आगे हम जीएसटी डिपार्टमेंट से प्राप्त अपना 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल में पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ ध्यान रखें, यदि आप कोई गलत GSTIN डालेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा, और यदि आपने सही GSTIN डाला होगा तो इस तरह का कोई मैसेज नहीं आएगा। यदि गलत नंबर है तो आप उसे ठीक कर लें। यहाँ पर एक बात और बता दें, यदि आप सिर्फ सीखने के लिए कोई जीएसटी नंबर डालना चाहते हैं तो गूगल पर उसको कैसे सर्च करें ये बता देते हैं। जैसे कि हम मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं तो हम टाइप करेंगे मध्य प्रदेश जीएसटी नंबर फॉर टेस्टिंग। आप भी अपने स्टेट के नाम के साथ इसी तरह सर्च करके वहां से कोई नंबर लेकर काम कर सकते हैं। इसके बाद है पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। इसका मतलब है कि आप GST1 रिटर्न कब फाइल करने वाले हैं, मंथली या क्वार्टरली। हम क्वार्टरली सिलेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे हेडिंग एडिशनल फीचर्स के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस की। इसमें सबसे पहले है सेट /ऑल्टर GST रेट डिटेल्स। आप जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं यदि वो सब किसी एक ही कैटेगरी की है और उन सभी पर एक ही टैक्स रेट है तो आप इसे यस करके उस कैटेगरी से संबंधित टैक्स की डिटेल्स दे सकते हैं। ऐसा करने से भविष्य में आपको प्रत्येक आइटम पर अलग अलग टैक्स रेट नहीं डालना होंगे। इसके बारे में डिटेल में हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। हमारी कंपनी में हम अलग अलग टैक्स रेट वाले आइटम्स में डील करने वाले हैं, इसलिए हम इसे नो ही रहने दे रहे हैं। इसके बाद है एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट्स। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी पार्टी से गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट एडवांस ले रहे हैं तो क्या GSTR1 रिटर्न भरते समय उस एडवांस को रिटर्न में दिखाना चाहते हैं? अभी ये ऑप्शन नो है और हम इसे नो ही रहने दे रहे हैं। आगे की वीडियो में हम इस ऑप्शन के बारे में समझाएंगे। इसके बाद है एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदने वाले हैं तब इसे यस करना होगा। अभी हम ऐसी कोई खरीदी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे भी नो ही रहने देंगे। आगे है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस और प्रोवाइड LUT /बॉन्ड डिटेल्स। ये भी अभी हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए इन्हें भी नो रहने दे रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे हेडिंग इनवॉइस फीचर्स के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस की। इसमें सबसे पहले है ईवे बिल एप्लीकेबल, जो कि अभी यस है, हम इसे नो कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जीएसटी एक्टिवेट करना बता रहे हैं। ईवे बिल और ई इनवॉइस जीएसटी का एडवांस पार्ट है जिसे हम आगे की वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। अब हम इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं और अब कंपनी फीचर्स ऑल्टरेशन स्क्रीन को भी एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमने जीएसटी को एक्टिवेट करते हुए कंपनी क्रिएट कर ली है। अब हम इस कंपनी को बंद कर देते हैं।
आइए अब देखते हैं कि यदि आपने पहले से कोई कंपनी बनाकर रखी है और उसमें जीएसटी एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो उस पहले से बनी हुई कंपनी में जीएसटी कैसे एक्टिवेट करें। उसके लिए पहले अपनी कंपनी ओपन कर लें और फिर F11 प्रेस करें। ऐसा करते ही कंपनी फीचर्स ऑल्टरेशन स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ से आप पहले बताए अनुसार काम करके जीएसटी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अध्याय में बस इतना ही। धन्यवाद।